Hi, I'm Sakshi. Welcome to our channel, जहां हम लाते हैं entertainment से जुड़े कुछ latest update. तमिल स्टार नागार्जुन अकिनेनी की फिल्म द घोस्ट लंबे वक्त से चर्चा में है, कभी फिल्म की कहानी को लेकर तो कभी फिल्म की कास्ट को लेकर. अब इस मच अवेटेड अपकमिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है. फिल्म की कास्ट में एक बड़ा फेरबदल हुआ है. पहले फिल्म में नागार्जुन के साथ काजल अग्रवाल नजर आने वाली थी, लेकिन अब खबरें हैं कि काजल ने फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया है. अब मेकर्स ने उनकी जगह एक दूसरी ए लिस्ट एक्ट्रेस का नाम फाइनल कर दिया है. खबरों के मुताबिक काजल अग्रवाल प्रेग्नेंट है और इस कारण काजल ने इस फिल्म से अपना नाम वापस लिया है. वहीं उनके रिप्लेसमेंट की खबरों पर बातें करें तो एक खबर के अनुसार अब द घोस्ट में काजल अग्रवाल के बजाय जैकलिन फर्नांडिस नजर आएंगी. जैकलिन हाल ही में भूत पुलिस में नजर आई थी. एक सूत्र ने पोर्टल को बताया है कि मेकर्स ने जैकलिन को पहले ही फिल्म के लिए अप्रोच कर दिया है. वे इस बारे में जल्द ही आधिकारिक घोषणा करने वाले हैं. अगस्त के महीने में नागार्जुन के बर्थडे पर मेकर्स ने फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया था. थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट.